Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel, myself Babli Rajput. So in this video lecture, we'll study how do atom exist. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एटम्स क्या होते हैं. सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो किससे बना हुआ है, वो एटम से मिलकर के बना है. सो अब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, मतलब वो किस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, राइट. सो हाउ डू एटम एग्जिस्ट. एटम्स कैन बी एग्जिस्टेड इन थ्री फॉर्म्स, तीन फॉर्म्स में हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. पहला है फ्री स्टेट, दूसरा है आयंस और तीसरा है मॉलिक्यूल्स. तो क्या मतलब है फ्री स्टेट का, क्या मतलब है आयंस का और क्या मतलब है मॉलिक्यूल्स का, ये हम बारी बारी देखते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर वन, दैट इज फ्री स्टेट. फ्री स्टेट में क्या होता है, जो एटम, देखो फ्री स्टेट जैसा बता रहा है, फ्री मतलब क्या है, एटम इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है हमको, ठीक है. अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. फ्री का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि इट इज फ्री, एटम इज फ्री, एटम इज इंडिपेंडेंट. तो फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि एटम अपनी सिंगल यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे मैंने 1 to 20 आपको एटम्स लिखवाए थे ना, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम करके, तो वहाँ पे H लिखा था, फिर HE लिखा था, फिर Li लिखा था, ठीक है. तो फ्री स्टेट का मतलब है कि जो एटम है वो अपनी सिंगल स्टेट में प्रेजेंट होगा, सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होगा, सॉरी सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होगा. सो दे एग्जिस्ट इन सिंगल एटम फॉर्म ओनली, मतलब एक एटम ही पाया जाएगा. वाइल मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल के केस में एटम एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मतलब दो एटम्स पाए जाते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एक से ज़्यादा होगा. तो फ्री स्टेट में क्या होता है, दी एग्जिस्ट इन सिंगल एटम फॉर्म, ये अपनी सिंगल यूनिट में पाए जाते हैं. सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें नोबल गैसेस आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल नोबल गैसेस. इसमें कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, ज़िनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेसॉन. तो आप रेडॉन तक पढ़ते हो तब भी ठीक है, वरना आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी ठीक है, हम मेनली यहीं तक पढ़ते हैं रेडॉन तक ही, राइट. सो इसमें क्या है, जैसे हीलियम है तो हीलियम एच ई के फॉर्म में पाया जाएगा, इसमें एच ई टू नहीं आपको देखने को मिलेगा कहीं भी, ठीक है. सो एच ई मतलब सिंगल यूनिट पाई जा रही है, राइट. नियॉन एन ई के फॉर्म में पाया जा रहा है, इसमें भी एन ई टू देखने को नहीं मिलेगा आपको, सिंगल यूनिट पाई जा रही है एन ई. वैसे ही अर्गन सिंगल यूनिट ए आर, क्रिप्टन सिंगल यूनिट के आर, ज़िनॉन सिंगल यूनिट एक्स ई, कैपिटल एक्स. अच्छा ये जैसे लिख रही हूँ ना वैसे ही लिखना, ऐसा मत करना, एक्स ई लिख दो अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है. ये लिखने का तरीका होता है, इनके जो सिंबल है वो प्री डिसाइडेड हैं, सो अपनी मर्जी से अपना दिमाग मत लगाना. एक्स कैपिटल है, ई स्मॉल है, एंड रेडॉन आर ए. सो ये पहला हमने पढ़ लिया, फ्री स्टेट मतलब यहाँ पे सिंगल यूनिट ऑफ एटम हमें देखने को मिलती है, इसमें अकेला एक ही एटम देखने को मिलता है. अब एक नोट लिखवा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन ये है कि भाई एटम इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, क्यों एटम फ्री स्टेट में आयनिक फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. क्यों तीन तीन स्टेट, तीन तीन फॉर्म्स हैं जो हमें एटम्स की पढ़नी पड़ रही हैं. सो ऐसा क्यों है, एटम एग्जिस्टेड इन फ्री स्टेट आयंस और मॉलिक्यूल्स फॉर्म इज टू अटेन स्टेबिलिटी. ये पॉइंट ना आपका 11th 12th एंट्रेंसेस हर जगह आएगा. क्यों इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं. हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है, भले ही वो ह्यूमन बीइंग हो. ह्यूमन बीइंग भी चाहता है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, हमारी लाइफ है वो प्रॉपरली चले, ठीक है, हर चीज़ है वो स्टेबल होकर ही चले, ठीक है. सो वैसे ही एटम्स है वो भी चाहते हैं स्टेबिलिटी. अब ये स्टेबिलिटी कैसे, जैसे हम कैसे स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, एक प्रॉपर लाइफ हो गई, ठीक है, प्रॉपर पैसा आ रहा हमारे पास एंड एवरीथिंग इज गुड इन आर लाइफ, तो हम कहते हैं उसको स्टेबल लाइफ है. अब ये लोग कैसे स्टेबिलिटी अपनी अटेन करते हैं, टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. मतलब कोई एटम जब अपनी ऑक्टेट को कम्प्लीट कर लेता है, ये थोड़ा सा ना आपके आगे वाले चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ पे दे दिया गया. कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, हर एटम को अपनी ऑक्टेट है वो कम्प्लीट करनी होती है, इस वजह से क्या है एटम है वो स्टेबिलिटी को अटेन करता है. अब ऑक्टेट का मतलब क्या है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, क्या मतलब है स्टेबिलिटी एंड ऑक्टेट का, वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. सो आपको इतना समझ में आ गया कि क्यों इस फॉर्म में ही एटम एग्जिस्ट करते हैं, वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं. अब हम पढ़ते हैं सेकेंड, दैट इज मॉलिक्यूल्स. चलो थर्ड मैंने पहले ले लिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हम आयंस है वो लास्ट में पढ़ेंगे, ओके. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अ मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप. ये शब्द को मार्क करो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देखो जहाँ भी न्यूट्रल लिखा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि इनका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है,
और नेगेटिव चार्ज है वो बराबर है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक एटम होता है ना, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, राइट। जैसे हमने पढ़ा था ना बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो उसमें हमने पढ़ा था बैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होता है, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगती है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तब उसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, होता है ना जीरो, बॉडी मूव नहीं करती है इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स में। सो एटम्स क्या होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को कंटेन करते हैं, लेकिन जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल इस एटम में 8 पॉजिटिव चार्ज हैं एंड 8 नेगेटिव चार्ज हैं, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 8 प्लस का 8 और एक माइनस का 8 जीरो हो गया। मतलब ये है कि इस पे इफेक्ट किसी चार्ज का नहीं दिखता। अगर एक भी चार्ज ज़्यादा नंबर का होता, मान लो 9 हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज 8 हो जाता, तो ओवरऑल चार्ज क्या होता एटम पे, पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। 8 8, ठीक है, 8 यहाँ पे पॉजिटिव है 8 नेगेटिव है, तो 8 माइनस 8 इज जीरो, मतलब इफेक्ट जीरो है। ऐसा नहीं इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज कहीं चले गए, नहीं, चार्जेस हैं, बट जितना पॉजिटिव प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव प्रेजेंट है, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। कहीं चार्ज चले नहीं गए हैं, चार्जेस वहीं पर हैं लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है। ऑल राइट, सो मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा, दो एटम्स तो होने ही चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। सो ये है, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं जब वो बॉन्डिंग करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड ईदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ध्यान देना इस पे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स से बन सकता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये मैंने पढ़ाया है पहले, मैंने क्या बताया था, जो एटम्स हैं या तो वो एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, या तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सो अगर वो एलिमेंट बनाते हैं तो क्या होता है, सेम टाइप के एटम्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और अगर वो कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें सेम डिफरेंट टाइप के, अगर वो कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो यही चीज़ है वहाँ पे, वही रिपीटेड चीज़ है, डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होगा तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोल देंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कह देंगे। यहाँ पे क्या, सेम टाइप के एटम्स आ रहे हैं तो यहाँ पे एलिमेंट्स हो गया, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम कह सकते हैं एटम्स इंक्लूड हो रहे हैं तो यहाँ पे कंपाउंड हो गया, राइट। सो ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो फर्दर डिवाइडेड हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है। यहाँ पे याद रखना आपके जो टाइप्स ऑफ एटम है वो वन काइंड का ही होगा, मतलब एक जैसे एटम ही प्रेजेंट होंगे, राइट। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे बट वो सिमिलर होने चाहिए, ठीक है, एक जैसे ही होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, एच एच ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी तो हम उसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, वो कंपाउंड बन जाएगा फिर, ठीक है। सो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो गया जैसे H2, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया O2, वहाँ भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, क्लोरीन हो गया Cl2, ओजोन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड सल्फर हो गया। दो चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले तो एक से ज़्यादा एटम होना चाहिए, मतलब दो एटम हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। सेकेंड इज सेम टाइप ऑफ एटम्स है वो इन्वॉल्व होने चाहिए, ओके। अब ये नोट है हमारे पास, सिंस नोबल गैस एग्जिस्टेड इन देयर फ्री स्टेट, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे नोबल गैसेज हमने कुछ लिखी थी वो अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती, मतलब सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होती हैं, सो देयर नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, तो उस केस में क्या होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हाइड्रोजन क्या एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन क्या एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन भी एक मॉलिक्यूल है, समझ में आ गया था ना। अब अगर मैं इसमें पूछूं नंबर ऑफ एटम्स कितने, नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे दो हो जाएंगे ना, दो एटम्स प्रेजेंट है H2, ठीक है, H2 मतलब दो एटम्स प्रेजेंट है, ये वाला नंबर देखो। ऑक्सीजन के केस में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, 2। क्लोरीन के केस में कितने प्रेजेंट है, 2। नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, ऑक्सीजन के केस में 3 प्रेजेंट है, फॉस्फोरस के केस में 4 है एंड सल्फर के केस में 8 प्रेजेंट है, राइट। बट इन केस ऑफ नोबल गैसेस क्या होता है, एटम्स सिंगल एक ही एटम प्रेजेंट होता है उसमें, तो उस केस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, एंड दैट इज ऑलवेज वन ही प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, राइट। Ne2 नहीं पाया जाता, Ne सिंगल यूनिट में पाया जाता है। तो सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल सेम है, दैट इज वन, तो उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं,
मोनो मतलब होता है वन। अब अगेन साइंस में टर्मिनोलॉजी आप याद कर लो तो आपकी सारी चीजें इजी हो जाएंगी। मोनो मतलब होता है वन, मोनो अटोमिक, अटोमिक मतलब क्या है, एटम, मतलब एक एटम हमें देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो इसी को आगे हम डिराइव करते हैं, दैट इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इंपॉर्टेंट है, एटोमिसिटी से एमसीक्यू बनेंगे आपके। सो एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटोमिसिटी। मतलब जो एक मॉलिक्यूल है, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसको हम एटोमिसिटी बोलते हैं, राइट। वो हमने पहले ही निकाल लिए हैं। सो इसी को फर्दर लिखा, जैसे नोबल गैसेस के केस में हमने बोला था कि नंबर ऑफ एटम वन पाया जाता है, सो वन हो गया यहाँ पे। मेटल्स एलिमेंट्स हो गया, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी आपको सिंगल सिंगल दिखने को मिल रहे हैं एटम, राइट। सो इसमें एटोमिसिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, वन। तो इनको मोनो एटोमिक बोल देते हैं, मोनो मतलब सिंगल, वन एटोमिक मतलब एटम। फिर आते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनके केस में आपको दो दो दिख रहे हैं एटम, है ना, H2N2O2Cl2, तो टू लिखा हुआ है, तो ये डाई एटॉमिक हो जाते हैं। डाई का मतलब होता है टू, डाई जहां भी लिखा उसका मतलब होता है टू, एटॉमिक मतलब एटम, तो टू एटम्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ओजोन है O3, कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तीन, तो उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, ट्राई मतलब थ्री, एटॉमिक मतलब एटम, ओके। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस के केस में P4, ये इंपॉर्टेंट है टेबल बहुत ज्यादा, तो इसमें चार एटम्स हैं तो इसको हम टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं, टेट्रा मतलब फोर होता है। एंड सल्फर के केस में S8 है, उसमें 8 एटम्स पाए जा रहे हैं तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 8, तो उसको हम ऑक्टा एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल बहुत ज्यादा, एटॉमिसिटी का मीनिंग एंड कितने हो सकते हैं एटम, या एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, क्या मतलब होता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, टिल देन इसको नोट डाउन कर लो आप। द सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बना होता है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। डेफिनेशन वही है, एलिमेंट्स के केस में सेम टाइप के एटम्स होंगे एंड कंपाउंड्स के केस में डिफरेंट टाइप के, बस उसके आगे एक शब्द लगा दिया गया है मॉलिक्यूल्स, राइट। डेफिनेशन सेम है, आपको कंसेप्ट वही याद रखना है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ओके। एग्जाम्पल इज HCl, HCl को अगर आपको लिखना तो उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें कौन से दो डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, एक तो हाइड्रोजन है जिसका एक एटम प्रेजेंट है, दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, इस केस में मैं एटॉमिसिटी पूछूं, क्या कंपाउंड्स के केस में एटॉमिसिटी हो सकती है, बट आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा। स्टिल अगर मैं HCl के केस में एटॉमिसिटी पूछूं तो कितनी आएगी, दो आएगी, क्योंकि यहाँ पे वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन, एंड एटॉमिसिटी टोटल एटम कितने प्रेजेंट है वो होती है। CO2 के केस में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन का वन एटम, दो एटम ऑक्सीजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2+1, 3, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एंड H2O वाटर के केस में, CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं एंड H2 मतलब वाटर होता है, तो इसमें वन एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है और दो एटम किसके प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी होगी, 1+2, 3, राइट। सो इट इज अबाउट, सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। नाउ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला जैसे ये H2O CO2, ये होता है केमिकल फॉर्मूला। सो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है केमिकल फॉर्मूला की। अ केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अ केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है, द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल। मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं जैसे कि HCl है, ठीक है, सो HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हमारा एक कंपाउंड है और इसमें हम केमिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं,
तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सिंबल रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रही है। एच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने जब टेबल पढ़ी थी 1 to 20 एलिमेंट्स की, तब मैंने आपको बताया था कि सिंबल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन, सी एल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट, क्लोरीन। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तो हम क्या करते हैं, पूरा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, नहीं, हम हाइड्रोजन का सिंबल लेंगे दैट इज H एंड क्लोरीन का सिंबल लेंगे दैट इज Cl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं इन केमिकल फॉर्मूला। ओके, सो ये होता है केमिकल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स की। तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है किस चीज से मिल करके बना, मतलब कौन कौन से एटम्स हम उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन विच सिंबल टेल्स अस, सेम डेफिनेशन है भाई, मतलब है जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन मैंने वहाँ पे लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं तो सेम टाइप के एटम्स होते हैं। तो इस केस में क्या है, सो इस केस में हाइड्रोजन हमने लिया है एंड हाइड्रोजन हमें पता है ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ओके, हाइड्रोजन को हम पूरा नहीं लिखेंगे, पूरी स्पेलिंग इसकी नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन नहीं। जब हम केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम शॉर्टेस्ट पाथ अपनाएंगे, दैट इज उसका सिंबल यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल एच, तो हम हाइड्रोजन का सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा इसका ये जो है ना ये चीज टू, ये भी लिखना जरूरी होता है। मान लो मैं नॉवल गैसेस की बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पे पता ही नहीं यहाँ पे कितना आएगा, वन आएगा या टू आएगा, मान लो मैंने ओ लिख दिया तो यहाँ ओ टू भी हो सकता है, ओ थ्री भी हो सकता है ना, ओ टू मतलब ऑक्सीजन, ओ थ्री मतलब ओजोन, कुछ भी हो सकता है। सो ये जरूरी है यहाँ पे लिखना, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट या लोअर फिगर बोलते हैं, ठीक है। सिंबल तो बताता है एलिमेंट के बारे में, एटम के बारे में, एंड सबस्क्रिप्ट या लोअर फिगर क्या बताता है, कितने एटम प्रेजेंट है ना, कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे कि हमने आप बोला था वन एटम ऑफ कार्बन, कैसे हमने यहाँ पे देख के बोला था यहाँ पे वन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे दो लिखा है तो इसका लोअर फिगर दो था, तो इसलिए यहाँ पे कितने हो गए थे, दो एटम्स। ओके, तो सिंबल तो बताते हैं हमें टाइप ऑफ एलिमेंट या एटम जो प्रेजेंट है, एंड जो सबस्क्रिप्ट होता है वो बताता है कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। जैसे हाइड्रोजन के केस में क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के केस में टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ओके, एंड हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, दैट इज कैपिटल एच। नाउ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज है कंपाउंड के केस में। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज द रिप्रेजेंटेशन, ये क्या दर्शाता है, ऑफ इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन याद रखना मतलब किससे बना है, किन किन एलिमेंट से बना है। इन विच केमिकल सिंबल टेल अस, जो सिंबल है, सिंबल मतलब जैसे एच हो गया या सी एल हो गया, ये सब विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो सिंबल बताता है कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे एच मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सी एल मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है, एंड सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब ये जो लोअर वैल्यू होती है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, वन, यहाँ पे कितना, वन है। सबस्क्रिप्ट लोअर फिगर टेल अस हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट मतलब सिंस कंपाउंड है तो डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है, तो कितने एटम्स प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम वाटर का, सो वाटर इज H2O, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, दो, इस केस में वन है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस केस में कितने एटम प्रेजेंट हैं कार्बन के, कार्बन का सिंपल C है तो यहाँ पे वन है और ऑक्सीजन के दो है। इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला का हमें मतलब समझ में आ गया कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, एंड जो सबस्क्रिप्ट होता है लोअर फिगर होता है वो बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज मॉलिकुलर मास, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं और उसके साथ ही लेक्चर वीडियो खत्म हो जाएगा। सो द मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास का मतलब क्या है, जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा था सेम ही है, ठीक है। मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 unit. मतलब whatever be the molecular mass of any molecule, उसका comparison हम 1/12th mass of the carbon atom से करते हैं, right? ये तो एक standard definition हो गई है. So now here it is written, molecular mass is equal to sum of atomic masses of all atom present in one molecule of substance. मतलब क्या, जैसे मैंने एक molecule की बात की, for example carbon dioxide, ठीक है, carbon dioxide क्या है, molecule of compound है, राइट। सो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास,
इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन इट. मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, इसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है प्लस ऑक्सीजन के दो एटम्स प्रेजेंट हैं. तो इनके एटॉमिक मासेस का जब हम सम करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा. समझ में आ गया होगा आपको मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. जो भी मॉलिक्यूल आपने लिया, चाहे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये लेना मत भूलना, अगर इसको लेना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी. तो उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन सबको आप क्या करोगे, ऐड ऑन करोगे, फिर उनके एटॉमिक मासेस को ऐड ऑन करोगे, तब जाके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, ध्यान रखना कार्बन का एक ही प्रेजेंट है. तो 12 प्लस 32 एंड इट विल बी हाउ मच, 44 ग्राम्स. ठीक है, सो एक प्रॉपर हम निकाल कर देखते हैं, वाटर का निकाल कर देखते हैं. सो सबसे पहले प्रॉपरली लिखेंगे, लिखना पड़ेगा प्रॉपरली आपको, वरना नंबर काट दिए जाएंगे. ऐसे करके आओगे तो पक्का नंबर कटेंगे. सो मास ऑफ वन एटम ऑफ, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच, इट्स 16 ग्राम. ओके, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, वन ही है, तो हमें और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सेम लिखेंगे मास ऑफ, आपको ऐसे नहीं करना, आपको पूरा लिखना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, एक एटम का मास होता है 1 ग्राम. ठीक है, तो एक एटम का मास अगर 1 ग्राम है, तो टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 1 × 2 विच इज इक्वल्स टू 2 ग्राम्स. राइट, सो ये हमें समझ में आ गया. अब हम निकालेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, इनके एटम्स के, मतलब इनमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस को हम जोड़ देंगे. तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपरली एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम्स प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है, 1 एटम का मास है 16 ग्राम्स, तो इट विल बी हाउ मच, 18 हो जाएगा ना, 16 + 2 18 ग्राम्स. ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है अमोनिया का NH3 और नाइट्रोजन के 1 एटम का, मतलब नाइट्रोजन के 1 एटम का मास, मतलब एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स और हाइड्रोजन के एक एटम का तो आपको पता है 1 ग्राम होता है. ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको कमेंट डाउन करना है और से ऑक्सीजन या O3 का निकालो आप. ठीक है, O3 का आपको निकालना है, 1 एटम का मास होता है ऑक्सीजन के 16 ग्राम और आपको किसका कैलकुलेट करना है, H2S का कैलकुलेट करना. H2S is dihydrogen sulfide. It's dihydrogen sulfide. नाम लिखना तो आप लिख सकते हो. तो हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है 1 ग्राम एंड सल्फर के 1 एटम का मास होता है 32 ग्राम. तो ये 3 आपको कैलकुलेट करने हैं, आपको उनके मॉलिकुलर मास इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इवन आपके एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट, सो मॉलिकुलर मास है, इसके साथ ही खत्म करते हैं आज का टॉपिक. एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे. सिमिलर चीज़ें जो हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ी हैं वहाँ भी रिपीट होंगी काफ़ी सारी, लेकिन काफ़ी कुछ नया भी होगा जो आपको पढ़ने को मिलेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.